अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो, ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं, सभी सब हटाइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है, उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे, एक उम्र आया भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा, तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक की लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। परिस्थिति नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए, वो चीजें बुरी नहीं है, वो काम बुरे नहीं है। सोच अगर घटिया रह गई, सारा खेल सोच का है। आपको अपनी सोच को इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं, कोर को तोड़ता और यूं कर करके खा रहा था। एक सज्जन वहां से गुजरा, उन्होंने पूछा, रे भाई क्या कर रहे हो, तू ये क्या कर रहा है ये बता। भाई साहब रोटी पे कुछ नहीं है, तो ऐसे सोच रहा हूँ कि भाई चटनी रखी है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो उसने कहा, जब सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन क्यों नहीं सोच रहा, बर्फी क्यों नहीं सोच रहा रे। चटनी से यकीन होता है, हो सकती है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जिनकी सोच में ही चटनी है, उनके जीवन में धन दौलत कैसे आएगी। मेंटलिटी भारी रखनी होगी, और ये सोच होगी तो एक दिन पूरी कायनात मिलकर आपको एक बहुत भारी व्यवसायी बना